सरकार की जानब से और हमारे सूबाई वजीर जो नए बनने वाले ख्याल कास्तरू साहब है उनकी जानब से टैलेंट हिट प्रोग्राम के नाम से जो प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, जहाँ डिविजनल सतह से लोग स्टूडेंट्स जो है अपने फ़न पारे लेके आए हैं और अपने फ़न के इजहार के लिए आज इन्होंने जो सूबाई सतह पर मौका दिया है इसे पब्लिकली भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। और इस फ़न में जो जो प्रोग्राम मुनक्कद किए गए वो आपको दिखा सकते हैं। सबसे पहले गायकी का है कि आलात को ऑपरेट करना है, वो इस प्रोग्राम का हिस्सा रखा गया है। और उसके बाद मुसव्वरी है, मुसव्वरी टेक्निकल स्टूडेंट्स है जो अपने फ़न को पेश करना चाहते हैं वो इधर आ जाए हुए हैं। इसके साथ साथ बताते हैं जो कहानी नवीसी है, ज़िला सतह पर जीतने वाले आर्टिस्टों को डिविजनल लेवल के ऊपर इनामात काफ़ी दिए जाएंगे। और इस हवाले से जो आज के जो जो पेंटिंग करने वाले हजरात मेरे साथ मौजूद है और उनके साथ हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे उनके फ़न पारों के हवाले से गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम को कैसे अप्रिशिएट करते हैं, क्या कहना उनका, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, ये पाकिस्तान के कल्चर को बड़े यूनिक और नए नए अंदाज से जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, उनसे पूछेंगे क्या बना रही है तो इस पेंटिंग का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम पेंटिंग को देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अंदाज से उन्होंने मोस की रिप्रेजेंट की हुई है, उसके साथ साथ जो है एक ह्यूमन बनाया, इसका क्या मकसद है इंसान के माइंड में? मेरा मतलब मेरी इंस्पिरेशन है, जो मुझे पसंद है मैं अपने ड्रीम को, अपनी फैसिनेशन को जो है अपने कलर्स के थ्रू कैनवस पर एक्सप्रेस कर रही हूँ। ख्यालात के इजहार का एक कमाल का अंदाज एक पेंटिंग भी तसव्वुर की जाती है, तो उसी अपने ख्यालात के इजहार करने के लिए इन्होंने पेंटिंग जो बनानी शुरू की है और कमाल की है। हमारे साथ रहिएगा और भी जी। अस्सलाम वालेकुम जी, फैसलाबाद का कमाल का कल्चर दिखाने की इन्होंने कोशिश की है और जिस अंदाज से बना रही है पूरी पेंटिंग्स में से यूनिक अंदाज है, उनसे पूछेंगे बात करेंगे ये क्या बना रही है आप। वालेकुम अस्सलाम, मेरे फैसलाबाद की एक मशहूर प्लेस जो रेलवे स्टेशन के पास है उसकी अक्कासी की है, उसको रिप्रेजेंट किया है मैंने कलर्स के थ्रू। और इसमें मैंने एक टेक्निक यूज़ की है पैलेट नाइफ, जिसमें मैंने ब्रश के साथ भी काम किया और पैलेट नाइफ के साथ। जी ये एक बहुत ही प्यारी पेंटिंग है, हमारे साथ इनसे पूछेंगे आप क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान का एक सकाफत को जागर करने के लिए ताकि हमारा पाकिस्तान पूरा मन नज़र आए, दुनिया को बताना चाहे कि हमारा पाकिस्तान खुशहाल है। आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने पंजाब के कल्चर को फ़रोग देने के लिए और सिंध कल्चर के लिए काफ़ी ज़रा अच्छी एक पिक्चर में, कहते हैं एक पिक्चर 1000 लफ्ज़ों के बराबर होती है, तो इस पिक्चर में इन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान को पूरा अमन तरीके से रिप्रेजेंट किया, बड़े अच्छे अंदाज से रिप्रेजेंट किया है। क्या नाम है आपका? फैसलाबाद से। ये भी फैसलाबाद के इन मुकाबलों में हिस्सा लेने हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान के सतह पे ये मुकाबले हमारे स्टूडेंट्स के लिए, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है और हमें जो है अप्रिशिएट करते रहना चाहिए हुकूमत की तरफ से। हमारे साथ रही जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या बना रहे हैं? आपने बड़ी अच्छा एक व्यू दी जी, ये नरान का गान में जो सैफुल मुल्क है ना, झील सैफुल मुल्क, ये वो मैंने पेंट किया जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या बना रही है? मैं पाकिस्तान का कल्चर शो कर रही हूँ, इसमें पूरे मैप के थ्रू इसको पूरा शो करने की कोशिश है, इसमें ऑयल पेंट्स मैं मैप के थ्रू जो हूँ कल्चर रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, उसके फेमस प्लेसेस को, ट्रक आर्ट को, उसको रिप्रेजेंट का भी बहुत ही अच्छे अंदाज में एक पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है वो बनाई जा रही है, यहाँ फैसल मॉस्क्यू बनाई हुई है, यहाँ बादशाही मस्जिद दिखाई गई है और पाकिस्तान की ग्रीनरी जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से जो रिप्रेजेंट की गई है। मज़ीद हमारे साथ रहिएगा, आपको और भी बड़ी बड़ी पेंटिंग प्यारी प्यारी है हमारे साथ वो दिखाएंगे आपको। ये भी हमारे साथ एक मौजूद है स्टूडेंट, इनकी बड़ी प्यारी पेंटिंग है, इन्होंने अच्छे यूनिक कलर इस्तेमाल करके पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफशां गुल है, अफशां अकमल। आज मैंने लैंडस्केप बना रही हूँ सवात के माउंटेन्स। सवात के जो माउंटेन है बड़े अच्छे अंदाज से रिप्रेजेंट कर, कौन से कलर? मैं ऑयल पेंट्स वगैरह यूज़ कर रही हूँ, बीच में एक्रेलिक्स मिक्स किए हैं। वाओ यार ग्रेट, कमाल के आइडियाज को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एक तरफ ग्लेशियर्स का दिया टच और एक तरफ डेजर्ट का दिया, ग्लेशियर्स बनाए गए, दरमियान में मैंने फैसलाबाद का टच दिया थोड़ा सा। इन्होंने फैसलाबाद में ग्लेशियर्स बना दिए और बड़ी अच्छी सोच है इनकी, अच्छा होना चाहिए यार वैसे तो, नाइस। ओके जी जनाब, कमाल के आइडियाज़ को शेयर करते हुए इस भाई ने फैसलाबाद का जो घंटा घर है, मीनारे पाकिस्तान है और जो मुल्तान की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है वो इस पेंटिंग में शो करने की कोशिश की, फैसल मस्जिद को, तो कमाल का इन्होंने आइडियाज़ देते हुए एक ही पिक्चर में समो दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फैसलाबाद। कमाल की पेंटिंग बनाई है यार
बहुत अच्छी पेंटिंग है और थोड़े से वक्त में मज़ीद आपको दिखाते जाएं। ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनाई गई है, कमाल का आइडिया है इसमें, तो आपको दिखाते जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना रही है आप? मैं लाहौर फोर्ट। क्या? लाहौर फोर्ट। जो बना रहे हो बड़े अच्छे आइडिया के थ्रू, मुझे उम्मीद है कि ये इनका जो प्राइज़ है ये ज़रूर विन करके जाएंगे। बड़े अच्छे तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। जी हमारे साथ मौजूद है और नीलम वैली की बड़ी कमाल की पिक्चर बना रहे हैं, उनसे पूछेंगे क्या इसमें आपने क्या आइडिया सोच के इसे बनाना शुरू किया। क्या नाम है आपका? मेरा वो है खूबसूरत पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान में खूबसूरत तरीन मंजर हैं जिनमें से एक मैंने जो है वो अपनी पेंटिंग के थ्रू शेयर किया है। सच्चे पाकिस्तानी का जज्बा होता है कि अपने ख्यालात के ज़रिए, अपने हाथ से, अपने फ़न से पाकिस्तान का अच्छा तरीके से रिप्रेजेंट करें। उन्होंने पेंटिंग बना के कमाल आइडिया शेयर करने की कोशिश की है। थैंक यू रिजवान जी। इंस्पायर कॉलेज की स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से जो पेंटिंग है बनाई हुई है, तो उनसे पूछेंगे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट से क्या इनका मकसद क्या है पेंटिंग बनाने का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मैंने बनाई, ये किसकी? मेरी फ्रेंड की है। मतलब अपना कल्चर दिखाने की कोशिश की है कि अभी भी हमारा वैसे ही कल्चर था जैसे पहले था, अब ये सिंध का कल्चर है, अभी भी कुछ गांव है ऐसे जहां पे ऐसा ही चलता है। मेरे आइडिया के मुताबिक ये पाकिस्तान का, पंजाब का कमाल का कल्चर इन्होंने रिप्रेजेंट किया। क्या आपने मोज क्यों बनाई है? जी पोस्टर कलर्स, गाँव का सीन क्रिएट किया है इन्होंने। गाँव का बड़ा ही अच्छा एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की है और कमाल का नजर आया है। बहुत शुक्रिया जी। राजा अब्दुल कदीर जी, राजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे क्या इन्होंने आज के इवेंट्स में क्या शो करवाया। जी हम फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे अपनी पेंटिंग वगैरह देने बनाने आए हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा हमें आके, काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स हमें काफ़ी इंस्पायरेशन मिली है स्टूडेंट्स का काम देख के। कुछ हमने अपना वर्क दिखाया है यहाँ पे, उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हमारा जो ब्रेन है वो वॉश हुआ है और काफ़ी नेक्स्ट लेवल की जो है हमें यहाँ पे मोटिवेशन मिली है और इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह के जो है वो इवेंट पे जाते रहेंगे और अपनी जो है परफॉर्मेंस वो देते रहेंगे। और हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस तरह के इवेंट्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए रखते रहे, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है इससे, हमारा हौसला बहुत बुलंद होता है कि अगर हुकूमत इस तरह के इवेंट्स वगैरह रखती है तो ये काफ़ी अच्छा काम है। जी जनाब बताते जाएं आपको कि हुकूमत की तरफ से अप्रिशिएट है जो इनके लिए एक एनर्जी की हैसियत रखता है, अगर हुकूमत की तरफ से इन्हें ये एनर्जी मिलती रहे तो ये अपने टैलेंट को नेशनली बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है डायरेक्टर आर्ट काउंसिल जाहिद इकबाल साहब, जिनसे हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से, क्या कहना है उनका इस तरह के इवेंट से, कितने परसेंट जो लोग जो है उनके टैलेंट को प्रमोट किया जाएगा और उन्हें कहाँ तक आगे लेके जाया जाएगा, क्या कहना है उनका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये टैलेंट हंट प्रोग्राम चल रहा है 2021 वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अपने फ़न को निखारने के लिए, और ये हमारे फैसलाबाद डिवीज़न में चार डिस्ट्रिक्ट में मुकाबले हुए हैं, जंग, चन्योट और टोबा टेक्सिंग में। आज उसका चौथा मुकाबला फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर था और बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ, सिंगिंग का, पोएट्री का, शॉर्ट फिल्म मेकिंग का, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का सॉरी, और फाइन आर्ट्स का। माशाल्लाह बच्चे, एक से बढ़िया एक बच्चा था और ये सारे जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट से विन किए हैं बच्चे, इनको हम लोग 9 तारीख को इसी काउंसिल में फैसलाबाद में डिवीज़न लेवल के मुकाबले कराएंगे और हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आएंगे उनको लेके हम लोग सूबाई सतह पर जाएंगे। शुक्रिया। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, गवर्नमेंट ये कर भी रही है, गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी भी है नौजवानों को मौके देना और टैलेंट को सामने लेके आना, इसलिए कैश प्राइस 2 लाख तक के गवर्नमेंट ऑफर कर रही है। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव बड़ा काबिल तहसीन है और माशाल्लाह प्रोग्राम्स सारे पंजाब में ओवरऑल बहुत ही अच्छा गया है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हर साल होते रहेंगे। मैंने शाही किला बनाया है, ये खूबसूरत पाकिस्तान के टॉपिक पे हमने पेंटिंग की है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए जिसके अंदर बच्चों के टैलेंट का पता चलता है, तो हमें पेंटिंग करके बहुत मज़ा आया। इस यहाँ पे और भी कंपटीशन थे, सिंगिंग कंपटीशन, फिल्म्स, तो हमें देख के बहुत मज़ा आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टुडे आई एम एट पंजाब टैलेंट हिंट 2K20। आज मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे जो इन्होंने हमें प्लेटफॉर्म फ्राहम किया है, ऐसे प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए ताकि हमें अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिले, और यहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन था और उसके अलावा बहुत सारे कंपटीशन।
इनका भी कहना था कि इस तरह के इवेंट्स जो है पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो नौजवान नस्ल है उनके टैलेंट के फ्रोग के लिए इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर इसको अप्रिशिएट किया जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का ये स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से नाम रोशन कर सकते हैं।